स्वागत है गाइस टेक एवे चैनल पे। तो भाई नथिंग फोन 2A और दूसरा जो डिवाइस है वन प्लस नॉट सीई 4। अब लोगों को कंफ्यूजन है कि दोनों में से डिवाइस कौन सा बेस्ट रहेगा उनके लिए, क्योंकि भाई दोनों ही डिवाइसेस 25,000 से कम के आपको देखने को मिल जाते हैं बैंक डिस्काउंट लगाने के बाद। वीडियो को लास्ट तक देख लो, क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई वन प्लस ले कि नथिंग फोन 2A ले, ठीक है। अब गाइस दोनों ही फोन काफी अच्छे सेगमेंट के अंदर, बट भाई डिफरेंसेस हैं और उसको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते। शुरुआत करेंगे प्रोसेसर से। तो हमारे नथिंग फोन में लगा है डायमेंसिटी का 7200 वाला प्रोसेसर, जिसका एंड्रॉइड स्कोर आप देखोगे 7 लाख के आसपास आ जाता है। वन प्लस की आप बात करोगे तो वन प्लस में लगा है स्नैपड्रैगन का 7 Gen 3 लेटेस्ट प्रोसेसर है, एंड्रॉइड स्कोर 8,40,000 है। ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, सीपीयू और जीपीयू स्कोर दोनों ही अच्छे हैं इन कंपैरिजन टू 7200 जो मीडियाटेक वाला लगा है। तो यदि आपको गेमिंग करनी है, आपको यदि रॉ परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, तो आपका जो वन प्लस का डिवाइस है नो डाउट, उसमें कोई आपको डाउट नहीं है, ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके देगा। वीडियो प्लेबैक भी करना हो 4K HDR के अंदर, तो आपका जो वन प्लस का डिवाइस ज्यादा अच्छा चला सकता है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 ज्यादा एडवांस है और ज्यादा पावरफुल सीपीयू और जीपीयू उसके अंदर दे रखा है। तो ये चीज तो क्लियर हो गई यहाँ पे, जो हमारा वन प्लस ज्यादा अच्छा है। अब भाई दूसरी चीज है डिस्प्ले सेगमेंट। तो भाई डिस्प्ले में दोनों फोन बराबर है, दोनों में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, तो वहां पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। HDR सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, दोनों में पंची कलर्स देखने को मिल जाएंगे, नेटफ्लिक्स पे कंटेंट देखना उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो भाई दोनों फोन एकदम बढ़िया है, उसमें कोई भी आपको इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे। अब भाई तीसरी चीज जो है स्टोरेज टाइप, यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब यदि आप OnePlus की बात करोगे तो OnePlus आपको मिलती है LPDDR4X RAM और UFS 3.1। अब UFS 3.1 का फायदा क्या है, जितनी ज्यादा फास्ट स्टोरेज टाइप होगी आपकी एप्लीकेशन उतनी फास्ट खुलेगी और रीड राइट की स्पीड फास्ट रहेगी। अब इसका जो स्कोर आता है स्टोरेज टेस्ट आप करोगे तो 60,000 क्रॉस कर जाता है OnePlus की मैं बात कर रहा हूं। अब यदि आप नथिंग फोन की बात करोगे तो नथिंग फोन 2A के अंदर है UFS 2.2। तो भाई ये थोड़ा स्लो स्टोरेज है और प्राइस रेंज दोनों का ही आसपास है, तो यहाँ पे वन प्लस का डिवाइस ज्यादा बेटर है। तो यदि आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिसमें एप्लीकेशंस फास्ट खुले और आपका जो डेटा का ट्रांसफर स्पीड हो ज्यादा अच्छी हो, तो भाई वन प्लस यहाँ पे आग बंद करके आप ले सकते हो। तो जो हमारा डेटा ट्रांसफर स्पीड वगैरह हो गई, जो स्टोरेज टाइप हो गया, यहाँ पे भी आपका वन प्लस मच बेटर है इन कंपेरिजन टू नथिंग, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं बैटरी सेगमेंट की। तो बैटरी सेगमेंट में भी आपका जो वन प्लस आपको देता है 5500 mAh की बैटरी विद फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट विद चार्जर 100W का, वो भी बॉक्स के अंदर। नथिंग फोन 2A में क्या है, नथिंग फोन 2 में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, 45W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और चार्जर भी आपको खरीदना पड़ेगा ₹2000 एक्स्ट्रा लगा के। तो भाई यहाँ पे आप देख लो कि आपको क्या पसंद आता है। मेरा तो यही है कि भाई आपको 100W का चार्जर नथिंग के बॉक्स में ही मिल रहा है, प्लस आपको 100W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल रहा है, प्लस आपको ज्यादा बड़ी बैटरी मिल रही है। तो यहाँ पे सारे ही सेगमेंट में मैं बोलूंगा नथिंग फोन 2A पीछे रह जाता है, वन प्लस यहाँ पे आगे चला जाता है। तो बैटरी सेगमेंट में भी मैं वन प्लस को ही यहाँ पे पॉइंट देने वाला हूँ, ना कि नथिंग फोन 2A को, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं कैमरा सेक्शन की। तो भाई दोनों फोन काफी बढ़िया है कैमरा में, बट यहाँ पे वन प्लस का मेरे को हार्डवेयर ज्यादा अच्छा लगा। अब वन प्लस में आपको जो प्राइमरी सेंसर मिल रहा है वो 50 MP का है, वो आपको सोनी LYT 600 वाला सेंसर है, जो कि काफी अच्छे फोटोज निकाल के आपको दे देगा। अब नो डाउट स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 लेटेस्ट प्रोसेसर है, उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, उसका जो इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग है सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ अच्छी प्रोसेसिंग कर पाएगा, क्योंकि हार्डवेयर काफी अच्छा दे रखा है यहाँ पे वन प्लस ने। अब आप बात करोगे सेकेंडरी सेंसर की, जो कि 8 MP का अल्ट्रा वाइड है, मेगापिक्सल को आप भूल जाओ, बट यहाँ पे जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है वो भी सोनी का है। यहाँ पे आप देखो सोनी का सेंसर उन्होंने लगाया है IMX 355। तो दोनों सेंसर इन्होंने सोनी के इन्होंने दे दिए, तो ये बहुत ही गजब की बात है। यदि आप नथिंग फोन से कंपेयर करोगे, नथिंग फोन में जो प्राइमरी कैमरा है वो सैमसंग का 50 MP का है, सोनी का नहीं है, सैमसंग का है, और जो दूसरा कैमरा 50 MP का अल्ट्रा वाइड वो भी सैमसंग का ही है। तो जो सोनी के कैमरे की क्वालिटी होती है इन कंपैरिजन टू सैमसंग की, वो ज्यादा अच्छी होती है। और यहाँ पे तो सोनी का LYT जो रियर कैमरा 50 MP का वन प्लस में ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। बट यदि आप वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करोगे तो दोनों ही फोन में आपको 4K 30 FPS का सपोर्ट मिल जाएगा और फ्रंट कैमरे से आप सिर्फ 1080p में वीडियो रिकॉर्डिंग शूट कर सकते हो। बट यदि आप हार्डवेयर की बात करोगे, जो कैमरा है वो हमारा वन प्लस का ज्यादा अच्छा है और सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बाद मोस्ट प्रोबेबली आपको ज्यादा अच्छी फोटोज निकाल के देगा। अब गाइस बात करते हैं स्पीकर्स की। तो भाई दोनों ही फोन में आपको स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल रहे हैं, आप कुछ भी चलाओ, यूट्यूब पे गाने चलाओ, नेटफ्लिक्स पे सीरियल्स देखो, कुछ भी देखो, बिंदास आपको साउंड देखने को मिलने वाली है। अब गाइस बात करते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट्स की, और जो हमारा प्राइमरी सॉफ्टवेयर है वो कैसे परफॉर्म करता है। भाई यहाँ पे नथिंग फोन 2A बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको कोई भी ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलता। वन प्लस में आपको 2 ब्लोटवेयर देखने को मिलेंगे, तो एगोडा एप्लीकेशन आपको मिलेगी, दूसरा आपको इंस्टाग्राम इंस्टॉल मिलेगा। प्लस जब आप इसको फोन को सेटअप करोगे वन प्लस डिवाइस को, नॉट जी ई 4 को, तो वहाँ पे आपको दिखाएगा 7-8 एप्लीकेशन आप और इंस्टॉल कर लो। या आपने गलती से वो ऑप्शन क्लिक कर दिया तो फालतू की 7-8 एप्लीकेशन और इंस्टॉल हो जाएगी। बट ऐसा कोई झंझट आपको नथिंग फोन 2A में देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पे 0 ब्लोटवेयर है भाई, कोई भी ब्लोटवेयर है ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। और दूसरी चीज भाई एंड्रॉइड अपडेट्स, तो हमारे नथिंग फोन को मिलेंगे 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स, मतलब एंड्रॉइड 14 पर ये है, एंड्रॉइड 15, 16, 17 उसको मिलेगा।
बट यदि आप वन प्लस की बात करोगे वन प्लस नॉट सीई फोर की, तो एंड्रॉइड 14 के साथ वो आता है और आपको 2 साल के ही सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस। बट यदि मैं आपको समराइज करूं कि भाई दोनों फोन में से कौन सा बेटर रहेगा और मेरे को कौन सा बढ़िया लग रहा है, तो भाई देखो बैटरी सेगमेंट की बात करोगे तो वन प्लस ज्यादा अच्छा हो जाता है, प्रोसेसर की बात करोगे तो हमारा जो वन प्लस है वो ज्यादा अच्छा हो जाता है, इसके बाद आप बात करोगे कैमरा के हार्डवेयर की तो हमारा जो है वन प्लस ज्यादा अच्छा हो जाता है। नथिंग फोन कहां पे आगे है, अपने सिर्फ सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट के अंदर आगे, उसके अलावा नथिंग फोन 2 हर चीज में पीछे, चाहे स्टोरेज टाइप ले लो, चाहे कैमरा का हार्डवेयर ले लो, चाहे आप प्रोसेसर की रॉ परफॉर्मेंस देख लो, सारी चीजें पीछे, प्लस आपको चार्जर भी नथिंग फोन 2 में नहीं मिलता। तो गाइस ओवरऑल सारी चीजें देखी जाए ना, तो भाई मेरा तो यही आपको सजेशन रहेगा कि वन प्लस नॉट सी 4 की तरफ आप जाओ। यदि आपने हाथ में पकड़ के देखना है डिवाइस को तो आप किसी शॉपिंग मॉल में जाके देखो वन प्लस के, वहां पे जाके जो उसकी बिल्ड क्वालिटी है वो फील करो, प्लस इसका जो फीचर्स है वो फील करो। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे वन प्लस जो है ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फोन है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप कौन सा डिवाइस खरीदने वाले हो, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कोई भी डाउट हो बिंदास तो कमेंट सेक्शन में से पूछ लेना। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, अभी लौटा, बाय बाय, सी यू।